नमस्कार दोस्तों, टेक्नो चैंपियन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि मैं आपको ये कहूं कि आपके मोबाइल में जो डेली 1.5 GB डाटा आपको दिया जाता है, उसका अगर आप पूरे दिन इंटरनेट चलाएंगे, अगर आप अपने मोबाइल में पूरे दिन इंटरनेट को यूज़ करेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, कोई मूवीज़ देखेंगे, कुछ भी अगर आप इंटरनेट पर काम करेंगे, फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा, तो आपको कैसा लगेगा? आप यही कहेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप यही सोचेंगे। क्योंकि दोस्तों, आपको ये पता है कि हम मोबाइल में इंटरनेट को चलाते हैं, यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते हैं, तो हमारे मोबाइल का जो MB होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपका जो सोचना है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके मोबाइल के 3 ऐसे कमाल के खुफिया सेटिंग्स बताऊंगा, जिन्हें अगर आप अपने मोबाइल में आज ऑन कर लेते हैं, तो फिर आप अपने मोबाइल में दिन भर इंटरनेट को चलाएंगे, यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे, मूवीज देखेंगे, कुछ भी अगर आप इंटरनेट पर काम करेंगे, तो आपका जो 1.5 GB डाटा है वो खत्म ही नहीं होगा, यानी कि आप पूरे दिन उसको चलाएंगे फिर भी वो खत्म नहीं होगा। दोस्तों, काफी कमाल का ये सेटिंग्स है। अगर आपके मोबाइल का इंटरनेट डाटा जल्दी खत्म हो जाता है, आप उसको ज्यादातर यूज भी नहीं करते हैं, आप कुछ ही वीडियो यूट्यूब पर देखते हैं या फिर कोई काम करते हैं इंटरनेट चलाते समय, तो वो अगर जल्दी खत्म हो जाता है, तो फिर इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो आपको इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा, इस प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, इस वीडियो को सबसे पहले शुरू करता हूं। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो चैंपियन। दोस्तों, यदि आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं, अपने मोबाइल के अंदर इन सेटिंग को करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक काम करना है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, नीचे आपको जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इस घंटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऑल पे सेट कर दीजिए। इतना काम करने के बाद दोस्तों, आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आकर आपको एक कमेंट करना है। कमेंट में आपको यहां पर लिखना है इंटरनेट ट्रिक, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको लिखना है इंटरनेट ट्रिक। इतना काम करने के बाद दोस्तों, इस कमेंट को आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? तो ये काम आपको ज़रूर से कर लेना है वीडियो देखने से पहले। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि आखिर आपको अपने मोबाइल के अंदर कौन कौन से सेटिंग्स करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल के जो सेटिंग है, इसको आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप सेटिंग को ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला जो सेटिंग है उसे आपको ऑन करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे आना है। दोस्तों, जैसे ही आप नीचे आएंगे, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैनेज ऐप्स का जो ऑप्शन है, आपको इसके पर क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसके पर क्लिक करेंगे, तो आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स होंगे, वो यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी ऐप आप अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड करके रखे हैं, जैसा कि ये सब जो ऐप है, मेरे मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो इसको मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। तो इसी तरीके से यहां पर आपको वो सभी ऐप्स देखने को मिल जाएंगे जिसको आप डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब दोस्तों, यहां पर आपको करना क्या है कि आप जिस भी ऐप को ज्यादातर यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब को ज्यादातर इस्तेमाल करता हूं, तो यहां पर यूट्यूब आ चुका है। तो आपको करना क्या है कि आप जिस भी ऐप को ज्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक YouTube, Facebook, Instagram, जिस भी ऐप को आप ज्यादातर यूज करते हैं, आपको उस ऐप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है डाटा यूजेस, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकग्राउंड डाटा, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, इसे आपको यहां पर जो है बंद कर देना है। दोस्तों, ये जो काम है आपको यहां पर सबसे पहला सेटिंग ऑन करने के लिए करना है, ठीक है? यहां पर आप सबसे पहले सेटिंग में बैकग्राउंड डाटा जो है ऐप का बंद कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा कि जो भी ऐप है, जैसा कि यूट्यूब है ना, अब यूट्यूब जो है बैकग्राउंड में मेरे मोबाइल का जो डाटा है उसे कंज्यूम नहीं कर पाएगा। यानी कि मैं अगर अपने मोबाइल में कभी भी इंटरनेट को ऑफ करके इसे फिर से मैं ऑन करूंगा, तो मतलब यूट्यूब जो है बैकग्राउंड में डाटा को कंज्यूम करता है, तो ऐसे में जो है ज्यादातर MB वही खा लेता है। तो ये सेटिंग आपको सबसे पहले कर लेना है, ठीक है? पहला सेटिंग है जो आपको करना ही करना है अपने मोबाइल में, तभी आप अपने मोबाइल के जो 1.5 GB डाटा है उसको आप पूरे दिन चला सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग आपको करना है, उसके लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। दोस्तों, ध्यान से देखना, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, जैसे ही आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, तो यहां पर आपको ऊपर जो 3 लाइन देखने को मिल रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो अपडेट ऐप्स, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको जो नीचे ऑप्शन देखने को मिल रहा है डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको डन के बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों, इससे क्या होगा कि आप अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से अगर कोई ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो वो जो है पहले ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता था, और आपके मोबाइल के जो MB होते थे वो फालतू के खर्च हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल में कर लेते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी बताया है, अगर आप इस सेटिंग को कर लेते हैं, तो फिर आपके मोबाइल में वो जो ऐप्स होंगे जिसको आप डाउनलोड करके रखेंगे, वो फालतू
में मतलब पहले से अपडेट नहीं होगा, मतलब आप जब चाहेंगे उसी वक्त वो अपडेट होगा, और ऐसे में क्या होगा कि आपके मोबाइल के जो MB होते हैं वो बच जाएंगे, और उसको आप जो है इंटरनेट चलाते समय मतलब यूट्यूब पर वीडियोज़ देखते समय उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सेटिंग आपको यहाँ पर कर लेना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको तीसरे सेटिंग के बारे में बताता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सेटिंग को आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप इस सेटिंग को यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आपके मोबाइल का जो डाटा होता है वो ज़्यादातर यही सेटिंग मतलब खपत कर लेता है, खा लेता है। तो दोस्तों ये जो सेटिंग है बहुत नॉर्मल है, ये हर किसी को पता है लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। तो इस सेटिंग को करने के लिए आपको यूट्यूब पर आना है। दोस्तों जैसे आप यूट्यूब पर आते हैं तो आप कोई भी वीडियो प्ले करते हैं ना, जैसे कि ये मेरा वीडियो है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो सबसे पहले क्वालिटी को सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से क्वालिटी पर इसको देखना चाहते हैं। यहाँ पर आपको जो ऊपर 3 लाइन देखने को मिल रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्वालिटी का जो ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है यहाँ पर ऑटोमेटिकली यानी कि ऑटो पे सेलेक्ट किया हुआ रहेगा। तो इसे आपको यहाँ पर जो ऑटो से हटा करके आप जिस भी क्वालिटी में वीडियो को देखना चाहते हैं, जैसे कि 240 पिक्सल है तो अगर आप इस पर देखना चाहते हैं तो आप उस पर सेलेक्ट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना ये जो है ऑटो में नहीं रहना चाहिए। अगर आप ये अगर ऑटो पर रहता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अगर यहाँ पर ऑटो पर रहता है तो फिर आपके मोबाइल का जो MB है वो फालतू के खर्च हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है 240 या फिर 340 जितने में भी आप वीडियो की क्वालिटी देखना चाहते हैं, मतलब जितने भी क्वालिटी में आप वीडियो को देखना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इतना सेटिंग आपको कर लेना है। ये 3 सेटिंग अगर आप अपने मोबाइल में कर लेते हैं तो फिर आपको रिजल्ट कल ही मिल जाएगा, यानी कल जब आप पहली बार इंटरनेट को ऑन करेंगे अपने मोबाइल में तो फिर आप पूरे दिन इंटरनेट को चलाएंगे फिर भी आपको यही लगेगा कि यार मेरे मोबाइल का जो इंटरनेट डाटा है वो खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों काफ़ी अच्छी सेटिंग है, ये 3 सेटिंग आपको करना ही करना चाहिए। अगर आप इंटरनेट चलाते हैं तो आपको अपने इंटरनेट को सेफ रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इंटरनेट की जो है ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाता है, तो ऐसे में आप कहाँ जाएंगे। तो इन सेटिंग को आपको करना ही करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक कर देना। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।